और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एम सर्वर हैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक चीन के हैकर्स ने एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक किया था। सर्वर की हैकिंग दो जगहों यानी कि चीन और हांगकांग से की गई थी। चीन और हांगकांग से हैकर्स ने 100 सर्वर में 5 को हैक कर लिया था। हालांकि पांचों सर्वर से डेटा निकाल लिया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि करीब 100 सर्वर में से 5 सर्वर पूरी तरीके से हैक किए गए थे, जिन्हें रिट्रीव करके ठीक कर लिया गया है। तो वहीं आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि भारत उन टॉप 3 देशों में शामिल है जहां 2022 के दौरान इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में सबसे अधिक मालवेयर के जरिए साइबर अटैक हुए हैं। इस लिहाज से चीन पहले और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के दौरान चीन में सबसे अधिक 38% साइबर हमले हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिग्नल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 18% हमले के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर भारत है जहां सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए हैं। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक भारत में IoT मालवेयर हमले 10% रहे हैं।